हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेहान और आप देख रहे हैं सुंदरी मोबाइल टिप्स। दोस्तों, आज हम आपसे जिस विषय में बात करेंगे, जो उस ताल्लुक़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो है POK कोड। बहुत सारे मोबाइलों में आपने देखा होगा, बहुत से लोग लेके आते हैं कि POK कोड जो है लग जाता है, और वह लोग अपना POK कोड खुलवाने के लिए इधर उधर दुकानदार के पास, गली के पास भटकते रहते हैं, या कुछ दोस्त मिल कर के कहते हैं कंपनी में फ़ोन लगाओ और वहाँ से POK कोड हमें फ्री में मिल जाएगा। तो लोग POK कोड के लिए कंपनी में फ़ोन लगाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना मैं आज आपको ऐसा मेथड और तरीका बता दूं कि ना आपको कहीं सर्विस सेंटर पे जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी जो है कंपनी में बात करने की ज़रूरत है। बस आप अपने मोबाइल से ही मैसेज के द्वारा आप तुरंत एक मिनट में आप अपना POK कोड प्राप्त कर सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं। देखिए, POK कोड पर जो है हासिल करने के लिए तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जिस कंपनी का सिम चलाते हैं उस कंपनी के सर्विस सेंटर पर जाएं, अपना आधार कार्ड वगैरह लेकर के और वहां जा कर के बताएं, तो वो आपको POK कोड प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप कंपनी में फ़ोन लगाएं। अच्छा, कंपनी में फ़ोन लगाने का मतलब ये है कि अपना सर ज़मीन पर पटकना। वो कभी कहते हैं एक दबाओ, चार दबाओ, पांच दबाओ, नौ दबाओ, तो इसके लिए कंपनी में फ़ोन जाएगा। हम दबाते रहते हैं, वापस फ़ोन लास्ट में जा कर के कट जाता है, लेकिन कंपनी में बात नहीं होती है। ये इसका तजर्बा आपको भी हुआ होगा और आप लोग इस चीज़ को बखूबी जानते होंगे। कभी परेशान हुए होंगे, बैलेंस कट गया, या हमारे मोबाइल में गाना सेट हो गया, या इस किस्म के मेथड लेकर के आप परेशान होते होंगे, तो कंपनी में फ़ोन जल्दी नहीं लगता है। क्यों ना ऐसा तरीका आप जान लें, हमेशा काम आने वाला जो है ये है, हमेशा आपको काम आएगा। दोस्तों, जब भी POK कोड किसी का लग जाएगा तो फौरी तौर पर एक मिनट में आप उसे खोल करके दे दें, एक मिनट नहीं लगेगा। तो आइए, मैं जो तीसरा तरीका है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए, सबसे पहले हम चलते हैं डायलअप में। डायल के अंदर चलेंगे, उस यहाँ पर डायल करेंगे *121*51#। ये डायल करने के बाद आप इसे कॉलिंग कर दें। एकदम दोस्तों जो है स्किप मत कीजिएगा वीडियो और पूरा देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा। अब ये कोड रनिंग कर रहा है, एक पॉपअप आया, आप इसे ओके कर दें इजीली। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि एक मैसेज आया। अब इस मैसेज को हम पढ़ेंगे। देखिए, मोबाइल नंबर, बैलेंस, वैलिडिटी, माई ऑफर, POK। POK तीसरे नंबर पर POK है, तीसरे नंबर पर हम जाकर सेंड कर देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर पूछ रहा है ये कि रिप्लेस विद ऑप्शन, यानी POK4 असल, अदर, सेल्फ, बैक, होम बैक। तो हम POK4 अदर पर क्लिक करेंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओके किए हैं डाल करके। अब ये पूछ रहा है मोबाइल नंबर, यानी जिसका POK कोड आपको प्राप्त करना है वो मोबाइल नंबर आपको इसके अंदर इंटर करना होगा। ये दोस्तों रूटेट हो गया, तो हम इसे फिर से जो है कर रहे हैं। ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया और इसे ओके कर दिया है। करने के बाद अब ये पूछ रहा है DDMMYY, यानी डे, मंथ और ईयर। इस सीरियल में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जिस किसी के नाम से मोबाइल होगा आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। हम डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं। इसमें एक बात और बता दें दोस्तों, इसके अंदर कोई सिंबल नहीं डालना है, कोई माइनस नहीं डालना है, कोई अब्लिक नहीं डालना है, या किसी किस्म का कुछ नहीं। आपका अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2000 है, तो आपको 01012000 बस ये डाल देना, उसके अलावा कुछ भी नहीं डालना। अब इसे सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद एक ये देखिए दोस्तों, POK कोड प्राप्त हो गया, 311 POK कोड हमारा कंपनी ने हमें प्रोवाइड कर दिया है। तो इस मेथड के द्वारा आप एकदम इजीली, आप बगैर कहीं गए, बगैर कंपनी में फ़ोन लगाए, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये एयरटेल के अंदर परफेक्टली काम करेगा। और अगर आपको अदर किसी सिम का चाहिए, किसी कंपनी का अगर आपको चाहिए अदर किसी कंपनी का, तो आप कमेंट करें, आप हमसे जो है जुड़ करके आप हमारे चैनल पर कमेंट करें। कमेंट करने के बाद आप बताएं कि हमें इस कंपनी का POK कोड प्राप्त करना है, तो कैसे करें।
तो हम उसके लिए भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।